मंजीत सिंह बिट्टा जी का नाम सुनते ही आता है भारतीयों में जोश। मंजीत सिंह बिट्टा जी का नाम सुनते ही आता है भारतीयों में जोश, क्योंकि इनका नाम सुनते ही आतंकवादियों के उड़ जाते हैं होश, उड़ जाते हैं होश। कि बिट्टा जी पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। और एक खास बात, दैनिक भास्कर समूह .com ने पंजाब के अनमोल रत्न का किताब भी माननीय बिट्टा जी को दिया है। कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते पंजाबचे माजी मंत्री ऑल इंडिया अँटी टेररिस्ट फ्रंटचे चेअरमन माननीय श्री मंजीत सिंह बिट्टा यांना मी विनंती करते की दहशतवादाची राजनैतिक लढाई या विषयावर आपले विचार व्यक्त करावेत। सबसे पहले श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और पंडित दीनदयाल जी कि आज जन्मदिन के याद करते हुए जो उनके सपने थे जो अभी भी अधूरे हैं उनको याद करके पाकिस्तान को उनको श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूं, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर मुझे, हमें उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानु है। आदरणीय नाना साहब जी, वो बड़ा मुश्किल था। मैं उन हालातों से कई वर्षों से निकलता हूं और कई बार कहता हूं मौत तो मेरी दोस्त है, मैं बम्बों गोलियों मौत से कभी नहीं हारा हूं, मौत सीने पे लगा के चलता हूं। मैं अगर कहीं हारा हूं तो मैं राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। मौत क्या है, आज नहीं तो कल आनी है। और लोग कहते हैं हम आज ये बनेंगे कल वो बनेंगे परसों वो बनेंगे, जो मेरा राजनीति का अनुभव है। हमने राजनीति बचपन से ही प्रथम राष्ट्र के लिए की है, कोई उसको माने या ना माने, जिस पार्टी में था या हूं माने ना माने, मेरे विचार तो प्रथम राष्ट्र थे। हम भगवान को भी मानते हैं, हम भारत माता को भी मानते हैं, हम वंदे मातरम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, दिखावे से नहीं अंदर से। मैंने देखी है वंदे मातरम और भारत माता की शक्ति ताकत, मैंने धर्म भी दिल से देखा है, मैंने मौत भी बार बार देखी है। हमें याद है हमारे कई दोस्त शहीद हो गए, एक घर में तीन तीन शहादतें हुई, वो वक्त देखा हमने। अभी एक इंटरव्यू हुआ रेफरेंडम के ऊपर, फिर खालिस्तान का चर्चा दुनिया में चला, चंद मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों डॉलर इकट्ठे करके ऐलान कर दिया रेफरेंडम, पंजाब में खालिस्तान बनेगा, दुनिया चाहती है। मैंने कहा तुम्हारी याची की तैची, आज हम फिर लड़ेंगे तुम्हारे उस रेफरेंडम के खिलाफ। दिल्ली के अंदर हजारों नौजवानों को इकट्ठा किया, सिख नौजवान इकट्ठे हुए, तिरंगा झंडा पकड़ा, उन्होंने 12 को प्रोटेस्ट किया, हमने 10 को किया और यूके एम्बेसी को कहा इनके ऊपर बैन लगाओ। फिर खालिस्तान की चर्चा, मीडिया भी राजनीति करता है, हमें बड़े बड़े चैनलों पर रात को बुला लिया जाता है, हम बड़े सज के जाते हैं रुमाल निकाल कर, बुरा ना मनाना, रुमाल हमें देखा करो, रुमाल निकाल के पूरे मेकअप करके जाते हैं। जवान की बॉडी घर में आती नहीं है, जवान का सिर काट दिया जाता है, बॉडी आती नहीं है, और चलाना शुरू कर देते, राजनीति शुरू हो जाती है। तेरे टाइम पे 26/11 हुई, तेरे टाइम पे कारगिल हुआ, तेरे टाइम पे वो हुआ, तेरे टाइम पे दीनानगर हुआ, तेरे टाइम पे पठानकोट हुआ। मैं कहता हूं कि आप लड़ने गए थे वहां पे क्या,
जवान लड़ रहा था। अगर बोलना है चैनल के अंदर तो चलो सुबह कश्मीर, पकड़ो इन जवानों के बक्से, दो दो बक्से पकड़ो और उनके हाथ में बंदूक हो, पत्थर चले, आपको भी पता चले कि पत्थर कैसे चलता है। एबीसी आती नहीं और बोलने चले आते हैं, क्या मजाक है ये? पर ये राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां क्या पार्लियामेंट के इकट्ठे होकर के कभी ये कहेंगी हम एक हैं राष्ट्र के लिए, 370 धारा के लिए हम खड़े हैं? कोई कहने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के ऊपर, हम पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ है। हम पाकिस्तान की वो आईएसआई जो हमारे बेगुनाहों का कत्लेआम करती है। मैं कई बार कहता हूं जब हमारे जवानों की शहादतें होती हैं, मैंने कहा मेरी अगर टांगे ठीक होती मैं चलने के लायक होता, मैं मूंछों को नीचे नहीं कर सकता, मेरी खड़ी है पगड़ी मैं उतार नहीं सकता, गुरु महाराज की दी हुई ये मौत का कफन है, तो मैं जरूर जाता, किसी भी रूप में जाऊं पाकिस्तान, वो अब्दुल हामिद की तरह अपने शरीर पे बम बांध के इनके आईएसआई का दफ्तर उड़ा के आऊं, वहीं दफन हो जाऊं, मैं वहीं चले जाऊं दुनिया से। इनकी ऐसी की तैसी, ये रोज हमें धमकाते हमारे से निकले हुए, अब चने चबाए पाकिस्तान को, कामता फिर रहा है।